बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी मेगा बुआ को। ये एक स्नेक सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों मैंने बुआ पर बने एक और मूवी को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहां दो हंटर्स रेक्स और ओकेन एक बोर का शिकार कर रहे होते हैं, पर वो बोर किसी चीज से डर कर भागने लगता है और वो दोनों भी उसके पीछे भागते हैं। पर तभी रास्ते में वो रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां एक बहुत बड़ा स्नेक दिखाई देता है। अब उसे देखकर उन दोनों के दिल में लालच आती है कि वो उसे पकड़कर अमीर बन सकते हैं, पर स्नेक कहता है ऐसे कैसे, और वो रेक्स को दबोचकर मार डालता है। और ये देखकर ओकेन वहां से भाग जाता है। अब वो भागकर अपनी बोट के पास आता है, लेकिन वो तूफान की वजह से किनारे पर टूट चुकी थी। अब हम कुछ घंटों बाद उसी आइलैंड पर एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जो कुछ रिसर्चर्स को उस आइलैंड पर छोड़कर चला जाता है, और उन्हें लीड प्रोफेसर मैलन कर रहे होते हैं, और वो यहाँ पत्थरों पर बनी प्री हिस्टोरिक ड्रॉइंग्स पर रिसर्च करने आए थे। अब प्रोफेसर जेसन और एरन को कुछ लकड़ियां जमा करने को कहते हैं क्योंकि आज रात वो यहीं पर कैंप लगाएंगे और फिर बाकी लोग कैंप सेटअप करने में लग जाते हैं। अब रात हो जाती है और प्रोफेसर कल की प्लानिंग करने लगता है कि सुबह होते ही वो लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे। अब तभी उन्हें जंगल की तरफ से आवाज आती है और वो वहाँ ओकेन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। अब वो उनसे पानी मांगता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ अपने पार्टनर के साथ आया था जो स्नेक के बाइट की वजह से मारा गया है और उनकी बोट भी टूट गई है, पर वो उन्हें उस जॉइंट स्नेक के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर प्रोफेसर उससे कहता है कि परसों हमें हेलीकॉप्टर लेने आएगा, तो तुम भी हमारे साथ चल लेना। फिर प्रोफेसर उसे यहीं रुकने का कहते हैं और फिर ओकेन का कुछ सामान जंगल में होता है, तो वो सुबह यहाँ वापस आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह वो सब निकलने के लिए रेडी होने लगते हैं कि तभी प्रोफेसर को एक स्पाइडर काट लेती है जिससे उसे काफी तकलीफ होने लगती है। अब ओकेन भी वहाँ आ जाता है और वो स्पाइडर का बाइट देकर समझ जाता है कि जिस स्पाइडर ने उसे काटा है उसका जहर काफी खतरनाक है और ट्रीटमेंट ना मिलने पर 36 घंटों में उसकी मौत भी हो सकती है। अभी सुनकर वो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। फिर प्रोफेसर हेलीकॉप्टर के लिए कॉल करते हैं और वहाँ की ऑपरेटर रीटा से उन्हें पता चलता है कि वो हेलीकॉप्टर को नहीं भेज सकती क्योंकि यहाँ मौसम खराब है और तेज हवाएं चल रही हैं। फिर प्रोफेसर उससे कहता है कि ये एक इमरजेंसी है, जिस पर रीटा उनसे कहती है कि वो कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उनके पास हेलीकॉप्टर भेज दे। अब प्रोफेसर को ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी, तो ओकेन उन्हें बताता है कि जंगल में एक रेयर ऑर्किड है जिससे जहर फैलना स्लो हो जाएगा और प्रोफेसर को टाइम मिल जाएगा। ये सुनकर वो उस ऑर्किड को लाने का फैसला करते हैं और प्रोफेसर के पास बेंजी रुकती है और बाकी सब ओकेन के साथ उस ऑर्किड को लेने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बेंजी कैंप पर एक ड्रोन को ऑटो पर लगाकर इस आइलैंड की फुटेज लेने लगती है। अब चलते चलते उन्हें काफी टाइम हो जाता है जिसकी वजह से जेसन सुस्त पड़ जाता है और पीछे रह जाता है। फिर एलिसन उसे पानी पीने का कहती है वरना ह्यूमिडिटी की वजह से उसकी तबीयत और खराब हो सकती थी। अब कुछ घंटे और चलने के बाद आखिरकार ओकेन उन्हें उस जगह ले आता है जहां वो रेयर ऑर्किड था, पर उस पेड़ पर काफी सारे स्नेक्स होते हैं जिन्हें देखकर वो सभी डर जाते हैं। पर ओकेन कहता है कि प्रोफेसर को बचाना है तो उस ऑर्किड को लाना ही होगा, और तभी वहां वही जॉइंट स्नेक आ जाता है जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। अब वो स्नेक उन्हें देखकर उनकी तरफ आने लगता है, तो वो सब डर के मारे वहां से भागते हैं और स्नेक उनका पीछा करने लगता है। अब वो सब भागते हैं और भागते ही रहते हैं, फिर एक जगह आकर वो सब रुक जाते हैं। प्रिग्रेस उन्हें बताती है कि ये 60 फुट लंबा बुआ है और अब तक दुनिया में बस 40 फीट लंबा बुआ देखा गया है, और तभी वो नोटिस करते हैं कि जेसन उनके साथ नहीं है और वो उसे आवाज देने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो अपनी सुस्ती की वजह से उनसे पीछे रह गया था और रास्ता भटक गया था। तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो फौरन एक जगह छुप जाता है और वो देखता है कि बुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उस पर हमला करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ रीटा अपनी लिस्ट में सभी पायलट्स को कॉल करके उस आइलैंड की तरफ जाने का कहती है, लेकिन सब बीच में तूफान की वजह से वहां जाने से मना कर देते हैं। तभी उसके पास एक रिटायर्ड पायलट आता है और रीटा उसे सब बताती है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए वहां जाने के लिए मान जाता है। अब जंगल में वो सब जेसन को ढूंढने के लिए वापसी उसी जगह जाने का सोचते हैं, और ओकेन बताता है कि उसके डार्ट में हैवी ट्रैंकलाइजर है जिससे वो बुआ को बेहोश कर देगा, जिस पर एरन कहता है कि हम वही जा रहे हैं तो प्रोफेसर के लिए वो ऑर्किड भी ले ही लेते हैं। फिर एलिसन फ्लेयर गन निकालती है और बताती है कि उसके पास बस 3 फ्लेयर्स हैं। वहीं ग्रेस अकलमंदी वाली बात करती है और उन्हें वहां वापस जाने से रोकती है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो वापस से वहीं जाने लगते हैं। अब उन्हें रास्ते में कहीं भी जैसे नहीं मिलता और वो उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। फिर एलिसन और ओकेन अपने अपने वेपन्स लेकर पोजीशन ले लेते हैं और एरन ऑर्किड को लेने उस पेड़ पर चढ़ने लगता है, पर तभी वहां बुआ पहुंच जाता है, तो एलिसन फौरन फ्लेयर शूट करती है लेकिन वो मिस हो जाता है, पर ओकेन का डार्ट बुआ को लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और तभी वो देखते हैं कि बुआ के मुंह से जेसन की बॉडी बाहर निकलती है। ये देखकर एरन नीचे गिर जाता है और जेसन की बॉडी के पास और भी स्नेक्स आ जाते हैं, तो ये देखकर वो सभी वहां से भाग जाते हैं।
अब वो सभी एक जगह आकर रुकते हैं जहाँ ओकेन उन्हें फिर से उस जगह जाने को कहता है और उन्हें एक डायनामाइट दिखाता है कि इससे हम पेड़ को गिराकर ऑर्किड ले लेंगे। जिस पर बाकी सभी को ये आइडिया सही नहीं लगता, तो इस पर ओकेन कहता है कि उसके ट्रैंक्विलाइजर से 50 हाथी बेहोश हो सकते हैं, तो वो बुआ कुछ घंटों तक नहीं उठेगा और हमें वो ऑर्किड भी मिल जाएगा। पर ग्रेस उन सबको यहाँ से निकलने का कहती है, वरना वो सब भी जेसन की तरह मारे जाएंगे। फिर ओकेन बताता है कि इस जंगल में हंटर्स ने चारों तरफ ट्रैप्स लगाए हुए हैं और वो उसके बगैर यहाँ से नहीं निकल सकते, लेकिन वो तीनों बिना ओकेन के ही यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ बेंजी को ड्रोन वापस आ जाता है, तो वो प्रोफेसर के साथ वीडियो देखने लगते हैं जिसमें उन्हें वो जायंट बुआ दिखता है। तो प्रोफेसर कहता है कि ये तो टाइटैनो बुआ से भी बड़ा मेगा बुआ है। दूसरी तरफ वो तीनों कैंप को ढूंढते हुए जंगल में भटक जाते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक ट्रैप मिलता है और वहीं उन्हें बहुत सारे स्नेक्स भी पेड़ों पर दिखाई देते हैं जो उनकी तरफ आने लगते हैं। तो वो सब डरकर भागते हैं और वापस से ओकेन के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब वही उन्हें यहां से निकाल सकता था। अब वो लोग फिर से ऑर्किड वाली जगह आ जाते हैं जहां मेगा बुआ अभी भी बेहोश पड़ा था। फिर ओकेन डायनामाइट को पेड़ पर लगा देता है ताकि उन्हें ऑर्किड के लिए ऊपर न चढ़ना पड़े। फिर वो उस पेड़ को डायनामाइट से उड़ा देते हैं जिससे वो पेड़ स्नेक समेत नीचे गिर जाता है। पर तभी वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि बुआ वहां से गायब हो चुका था, यानी कि उसको होश आ गया था। तो एलिसन फौरन पेड़ के पास जाकर ऑर्किड को उठा लेती है और तभी बुआ भी वहां आ जाता है और वो एरन पर अटैक कर देता है और उसे निगल जाता है। फिर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और बुआ भी उनके पीछे आने लगता है। अब भागते हुए उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, तो वो बुआ से छुपने के लिए उसमें चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर मैप में देखता है कि इस आइलैंड पर एक पुरानी लैब बनी हुई है, तो वो यकीनन खुद को बचाने के लिए उस तरफ जा रहे होंगे, इसीलिए प्रोफेसर बेंजी के साथ उस लैब की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वो तीनों गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ की दीवार पर ग्रेस को प्री हिस्टोरिक ड्रॉइंग्स दिखाई देती हैं, जिसमें जायंट स्नेक अपनी स्किन शेड कर रहा होता है, तो कबीले के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। अब उसी बीच उनकी तरफ बहुत सारी स्पाइडर्स बढ़ने लगती हैं और उसी में एक जायंट स्पाइडर भी होती है, जिसे देखकर एलिसन अपने दोनों फ्लेयर्स उस पर शूट कर देती है, जिससे उस पर आग लग जाती है। फिर वो उस गुफा से बाहर निकल आते हैं और स्पाइडर भी उनके पीछे पीछे आने लगती हैं। पर बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि बुआ भी वहां पहुंच चुका है और वो स्पाइडर को घेर लेता है और इसका फायदा उठाकर वो तीनों वहां से खिसक लेते हैं और बुआ अपने सामने तंदूरी स्पाइडर को देखकर उस पर अटैक करके उसे खा जाता है। अब वो तीनों भागते हुए लैब के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक जिप लाइन और एक पूल से धुआं उठता दिखाई देता है। तो ओकेन बताता है कि ये एसिडिक पूल है और किसी को नहीं पता कि साइंटिस्ट ने ये क्यों बनाया। फिर वो तीनों लैब के अंदर आ जाते हैं जहाँ एलिसन को चाकू और एक्स मिलती है, पर तभी उस कबर्ड से स्नेक्स बाहर आने लगते हैं, तो वो उन स्नेक्स को काटने लगते हैं, पर फिर भी वो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो ये देखकर एलिसन उन्हें आग से जलाने लगती है, जिसकी वजह से वो लैब में ही आग लगा बैठती है और वो उनसे बुझती भी नहीं। फिर वो लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, तो स्मोक की वजह से बुआ भी वहां आ जाता है और उन्हें घेर लेता है। फिर ओकेन एलिसन और ग्रेस से कहता है कि वो बुआ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो दोनों उस जिप लाइन से यहाँ से निकल जाए। तो एलिसन कहती है कि हम तुम्हें खुद की कुर्बानी नहीं देने देंगे, जिस पर ओकेन कहता है कि मैं कुर्बानी थोड़ी दूंगा बल्कि मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद वो तीनों बाहर निकल आते हैं और ओकेन बुआ का मुकाबला करने लगता है, पर वो बुआ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वहीं एलिसन और ग्रेस उस जिपलाइन वाले टावर पर चढ़ जाती हैं। फिर ओकेन भी उनकी तरफ ही आने लगता है और उसके पीछे बुआ भी वहां आ जाता है। फिर वो तीनों ही जिपलाइन से निकल जाते हैं, पर बीच में ही बुआ ओकेन को पकड़ लेता है और खुद ओकेन के साथ उस एसिडिक पूल में गिर जाता है और वो दोनों बच जाती हैं। पर इसमें ओकेन बुआ के साथ मारा जाता है। अब तभी वहां प्रोफेसर बेंजी के साथ पहुंच जाते हैं और वो मेगा बुआ को देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी उन्हें वहां एलिसन और ग्रेस भी जिंदा दिख जाती हैं। और तभी वो देखते हैं कि बुआ में मूवमेंट होने लगती है और उसकी स्किन ने उसे बचा लिया था। फिर वो अपनी स्किन शेड करके बाहर निकल आता है और प्रोफेसर और बेंजी को घेर लेता है। ये देखते ही ग्रेस को केव की पेंटिंग याद आती है कि एंशियंट लोगों को पता था इसे कब मारना है, जब वो अपनी स्किन शेड करता है, और उनके पास अभी मौका है उसे मारने का। फिर वो दोनों चाकू से बुआ पर वार करने लगती हैं, जिससे उसकी स्किन कटने लगती है। अब तकलीफ से बुआ ग्रेस पर हमला करने के लिए रेडी होता है और वो उसे दबोच देता है, पर तभी ग्रेस चाकू उसके दिमाग के पार कर देती है, जिससे बुआ मारा जाता है और ग्रेस उसके मुंह से जिंदा बच निकलती है। वहीं अब प्रोफेसर की हालत खराब होने लगती है, तो वो फौरन ऑर्किड को पीस कर प्रोफेसर को खिलाते हैं, जिससे उसकी तबीयत कुछ ठीक हो जाती है। और तभी उन्हें लेने वहां हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है और वो इस आइलैंड से निकलने लगते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि एक और मेगा बुआ इस डेड बुआ की बॉडी को निगलने लगता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।